दोस्तों, हाउ आर यू? माय नेम इज धीरज एंड टुडे आई एम अनबॉक्सिंग तोशिबा हार्ड डिस्क। ये एक नॉर्मल हार्ड डिस्क है लेकिन 1 TB है। इसके हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। इसका जो मॉडल नंबर है वो है HDWD110। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से बॉक्स में आती है, बाहर एक केस भी होता है इसमें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रेवलिंग के टाइम पे। तो इसकी एक अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है तोशिबा की हार्ड डिस्क। आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख सकता है। और यहाँ तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स यूरोप लिखा हुआ है और मॉडल नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, HDWD110 दिख रहा है। और बैक साइड में ये मैन्युफैक्चरिंग है, जो इम्पोर्टर है उसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन से इम्पोर्टर से ये इंडिया में आई है। आर्किटेक इंडिया के थ्रू आई हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से सील पैक आती है, ये आपको दिख रही होगी। मैं फटाफट से इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों ये है तोशिबा की हार्ड डिस्क और इस पर लिखा हुआ है रेड कलर पे PCP 300। और 1 TB आपको बड़ा बड़ा दिख ही रहा होगा। मैं इसको एक क्लोजअप लुक से आपको दिखाता हूँ और फिर हम इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके भी इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। दोस्तों आपको क्लोजर लुक से अब हार्ड डिस्क दिख रही होगी। तोशिबा है, PCP 300 लिखा हुआ है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। 7200 RPM पे आती है ये। 64 MB बफर लिखा हुआ है। थोड़ी सी स्पीड मिल सकती है आपको इस हार्ड डिस्क में, पर खैर ये नॉर्मल हार्ड डिस्क ही काउंट होती है आज की डेट में। पहले किसी टाइम पे जब ये पुरानी हार्ड डिस्क जब ये लॉन्च होती थी, उस टाइम पे जब SSD हार्ड डिस्क नहीं आई थी, तो उस टाइम पे इनको हार्ड डिस्कों को फास्ट माना जाता था। खैर इसे छोड़िए, लेकिन अब हम इस पे चलते हैं कि इसमें आपको प्रॉपर डिटेल में दे रहा हूँ। इसमें हार्ड डिस्क में तोशिबा की हार्ड डिस्क है। बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, इस तरह की लुक है इसकी। ये आपको दिख सकती है, साटा के बोर्ड दिख रहे हैं आपको और ये इस तरह की लुक है इस हार्ड डिस्क की। क्लोजअप लुक से पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह से ये लुक है इसकी। ये देखिए पूरी लुक दिखा दी मैंने साइड से कैसी है, आप देख सकते हैं। थोड़ी हार्ड डिस्क मोटी है ये साइज में, डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है इसलिए थोड़ी सी बड़ी है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर लुक। चलिए इसे कंप्यूटर पर लगा के देखेंगे। मैंने इसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दी है, ये देखो आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मैंने फिट कर रखी है इसमें हार्ड डिस्क। इसमें विंडो इंस्टॉल कर दी है हार्ड डिस्क के अंदर। मैं हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए डिवाइस मैनेजमेंट में आप चले गए, आप यहाँ डिस्क में जाइए। ये देखिए तोशिबा की हार्ड डिस्क आपको क्लियर दिख रही है। ये देखिए तोशिबा आपको क्लियर दिख रही होगी, HDWD110। तो ये तो एक हार्ड डिस्क है। बाकी आपने हमने इसमें विंडोज इंस्टॉल कर रखी है और इसमें पार्टीशंस करे हैं, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 पार्टीशन है। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ मैनेज में जा सकते हैं, यहाँ पर डिस्क मैनेजर में जा सकते हैं। ये रही हार्ड डिस्क के पार्टीशंस। ये आपको क्लियरली हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन दिख रहे हैं। ये देखिए 1 TB दिखा रहा है, 931 GB। और ये सी ड्राइव डी ड्राइव ये मैंने क्रिएट करे थे विंडोज जब इंस्टॉल करी थी। तो ये रही एक हार्ड डिस्क का रिव्यू। दोस्तों ये थी एक हार्ड डिस्क का रिव्यू। मैंने विंडोज डाल के प्रॉपर चेक करी इस हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी है। मेरे को विंडो डालने में मुश्किल से 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए दोस्तों, लेकिन मुझे मुश्किल से विंडो ये 3-4 मिनट के अंदर डल गई। तो हार्ड डिस्क भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है। अगर आपके पास SSD हार्ड डिस्क होगी तो और बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। और ये मैंने अभी नॉर्मल हार्ड डिस्क करी है, इसमें इंस्टॉलेशन करके देखी है, बहुत अच्छी लगी। तोशिबा की हार्ड डिस्क है, अच्छी परफॉर्मेंस है, आप इसे यूज कर सकते हैं। मेरे इस तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए।